बरसात आ गई लेकिन मानसून से पहले गाजीपुर की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई। नतीजा ये है कि अब शहर की मुख्य सड़कों पर भी गड्ढे हैं और ये बारिश के मौसम में जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब जबकि प्रशासन सोया है तो क्या किया जा सकता है? तो किया यही जा सकता है कि खुद ही गड्ढे भरे जाएं। ठीक ऐसा ही किया सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार सिंह शम्मी और उनकी टीम ने। युवाओं की इस टीम ने शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे फुल्लनपुर बाईपास, तुलसी सागर, बड़ी बाग चुंगी पर सड़कों के गड्ढे को खुद से भरने का काम किया। अब प्रशासन के जिम्मेदार लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें थोड़ी शर्म तो जरूर आ रही होगी। शहर की सड़कों को लेकर एक्टिव हुए विवेक सिंह शम्मी ने इन गड्ढों के लिए पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका जैसी संस्थाओं पर करप्शन का भी आरोप लगाया है। इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सड़कों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपयों का हेर फेर किया गया है। यहाँ तक कि सीवर को खोद कर भी एक साल बिना मरम्मत के छोड़ दिया गया, जिसके चलते गड्ढे में गिरकर सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। नाले की सफाई न होने के कारण बरसात की शुरुआत में ही पूरे शहर की सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा है। युवाओं की इस टीम ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सभी सड़कों का मरम्मत नहीं किया गया तो हम सभी वृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सड़क के गड्ढे भरने वाले लोगों की इस टीम में एडवोकेट ब्रिजेश राय, अनिल सिंह, सोनू राय, प्रदीप बिंद, बबलू, आशीष, भीम आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।